अब अजीमी साहब से मुलाकात करने का फिर वक्त आ गया है और अजीमी साहब हमारे स्टूडियो में फिर आए हैं ढेर सारे सवालों के जवाब लेकर। अब आपका खत लिखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया अजीमी साहब, आने का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में। पिछले हफ्ते आपको मजा आया? बहुत मजा आया जी, वो तो जब लोगों के सवालात आते हैं और इंसान उनको कोई मशवरा देता है तो उसके अंदर से खुशी होती है कि मेरे मशवरे से अगर किसी आदमी को फ़ायदा हो गया तो इससे बड़ी तो कोई नेकी नहीं है। अब हम पहले लोगों की तरह रियाजत तो कर नहीं सकते, जैसे जंगलों में जाके बैठते थे, तस्बीहें पढ़ते थे, चिल्ले करते थे, मुसलमान बुजुर्ग भी, हिंदू बुजुर्ग भी, सिख बुजुर्ग भी, ईसाई राहिब भी, अब वो हमारे पास ना इतनी ताकत है, इतना वक्त है, तो ये थोड़ी सी जो खिदमत है कि लोगों के मसले हम हल कर देते हैं तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। मुझे इससे बड़ी खुशी होती है कि ये लोग मुझे मसाइल लिखते हैं और मैं उनके जवाब देता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि लोग ये बताते हैं कि हमें फ़ायदा बहुत होता है। बहुत खूब, ये बड़ी एक हमारे लिए, आपके लिए, नजमा के लिए और यहाँ के सारे स्टाफ के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ये जो टीवी है ये अल्लाह की मखलूक की खिदमत का एक जरिया बन गया जिसमें कोई कारोबार नहीं है, जिसमें किसी कोई फीस नहीं है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। यकीनन आप भी बहुत खुश हैं इसमें। देखिए अब नेक काम में देर किया, नजमा जी से पूछते हैं पहला सवाल। जी जोबी अहमद लिखती है, मेरा मसला ये है, 6 साल पहले मेरी शादी हुई, शादी के बाद मुझे हमल हुआ तो मेरा दिल बहुत घटना शुरू हो गया, बड़े ऑपरेशन से बच्ची पैदा हुई, बच्ची ठीक है मगर दिल घटना फिर शुरू हो गया है, सारा जिस्म कांपता है, दिल दिमाग माउफ रहता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ये बीमारियां मुझे बाद में लगी हैं और अब मैं हर रोज़ डाउन रहती हूँ, मेरे फट्टों में खिंचाव बहुत है, खून की कमी भी है, तो अजीमी साहब आप इसका क्या जवाब देंगे? ये जो बीमारी है या इसमें पट्टों का खिंचाव या दिल की घबराहट, हमल के ज़माने में दिल और दिमाग के ऊपर दबाव, तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, हो सकता है ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है, गैसेस से भी हो सकता है, तो ये आपके ख़त की रोशनी में हमारा ये अंदाज़ा है कि ये मर्ज़ आपको गैस का मर्ज़ है और गैस का मर्ज़ ऐसा है कि इससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। मेडिकल साइंस में भी देखिए बेशुमार दवाइयाँ हैं, चूसने की गोलियाँ, खाने की गोलियाँ, और उससे फ़ायदा भी होता है, जैसे गैस रिलीज हो जाती है तो आदमी को फ़ायदा हो जाता है, तो आप जो हैं ऐसा लगता है कि पुरानी मरीज हैं गैस की, तो आपको गैस का इलाज करना चाहिए। और गैस का इलाज आप ये करें, सबसे पहली बात तो कि आप खाने में एहतियात करें, वक्त बे वक्त ना खाएं, 3 वक्त खाने के मुकर्रर करें, बीच में हरगिज कुछ ना खाएं, ना खाएं बीच में, बस चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं और मशरूबात पी सकते हैं, ठोस गिजा ना खाएं, रोटी ना खाएं, डबल रोटी ना खाएं, ये बर्गर वगैरह ना खाएं, बस खाना 3 वक्त खाना है, नाश्ते में, दोपहर को और रात को, और खाने से पहले पानी ना पिए और खाने के बाद भी 1 घंटे तक पानी ना पिए, उससे ये होगा कि जब खाना हम खाते हैं ना तो पानी तो वैसे ही मैदे में जाता है, जो हमारी गिजाएं हैं एशियन लोगों की तो उसमें शोरबा और ये और वो, तो पानी काफी अंदर चला जाता है, काफी तरी वाला खाना, तरी वाला होता है, तो और एक ये चिकनाइयां जो है ये खुसूसन इस मुल्क में तो बहुत ही नुकसानदेह है, ठंडा मुल्क है तो मैदे में जाके वो चिकनाई जम जाती है, तो उसकी चिकनाई को घुलाने के लिए कुदरत का एक निज़ाम है, गैसेस बनती हैं, उस गैसेस से भी फिर जब दिमाग को वो चढ़ेंगी या दिल की तरफ चढ़ेंगी या वो पट्ठों में आ जाएंगी तो उससे दर्द होगा। एक दूसरा इलाज, रूहानी इलाज ये है कि आदमी सुबह तो वक्त नहीं मिलता, यहाँ बहुत मशरूफ जिंदगी, शाम को टहले ज़रूर, और टहलते वक्त ये 40 कदम आदमी चले और 40 कदम पे शुरू करे वो सीधे पैर से, तो जब वो सीधा पैर रखे तो दिल ही दिल में कहे अल्लाह, अल्लाह कहे, भगवान कह दे, गॉड कह दे, बिल्कुल एलिया कह दे, अल्लाह के सब नाम है,
तो जब सीधा पैर रखे अल्लाह, फिर उल्टा पैर भी कुछ ना कहे, फिर सीधा पैर रखे अल्लाह, तो इस तरह 40 मरतबा वो चला जाए और 40 मरतबा वापस आ जाए। तो इससे ये होगा कि उसके अंदर जो ब्रीदिंग का जो एक सिस्टम है वो रिलेटेड हो जाएगा रोशनियों से और लाइट से। जब आप अल्लाह कहेंगे ना, तो अल्लाह तो गॉड, अल्लाह भगवान का मतलब ही है कि आप नूर कह रहे हैं। जो आपने गॉड कहा ना, तो इसके मतलब है आप कह रहे हैं नूर, रोशनी, लाइट। बिल्कुल। तो इसलिए जब अल्लाह आपने कहा रोशनी लाइट, तो इससे होगा कि आपका जो जो निजाम है पूरा सिस्टम फिजिकल बॉडी का, वो रोशनियों की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। और हमारे अंदर जो रोशनियां ही हैं जो हमें चला रही हैं, हमें जिंदा रखे हुए हैं, अगर हमारे अंदर ये सिस्टम खत्म हो जाए रोशनियों का, तो हम फौरन मर जाते हैं। मरने का मतलब ही है कि वो जो करंट आ रहा है तारों में, दिमाग के जरिए, दिल के जरिए, फेफड़ों के जरिए, बुझ गया, गुर्दों के जरिए, वो सिस्टम टूट गया। जैसे ही वो सिस्टम टूट जाता है, आदमी मर जाता है। तो हर आदमी जो है ये रोशनियों का बना हुआ है। हर वक्त 2.5 वाट बिजली इसके अंदर दौड़ती रहती है। अगर कुछ लोगों ने ये प्रैक्टिस की है कि वो हाथ से घिस के उसका बैटरी का जो छोटा बल्ब है वो जला देते, इसके अंदर रोशनी है। फिर ये आप ये देखें, हम दो आदमी मिलते हैं, सीना एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम ये देखते हैं हमारे अंदर की लहरें उसके अंदर जा रही हैं, उसके अंदर की लहरें हमारे अंदर जा रही हैं। कई दफ़ा भी नींद आ जाती है, इतना ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो ये जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे अल्लाह की, अल्लाह से आपका जहन मिलेगा, तो आपका जो अंदरूनी बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है वो बहाल हो जाएगा। जब वो बहाल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक गैसेस खत्म हो जाएंगे। इलाज हो गया आपका, हाल हो जाए। अब दूसरे सवाल की तरफ चलें। जी, एक सवाल जल्दी से पूछ लीजिए क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का वक्त बचा है। अच्छा, ठीक है। एक खातून लिखती है, मैं अपनी जहनी कैफियत लिखने पर मजबूर हो गई हूँ जिसमें मुब्तला हुए मुझे 3 साल हो गए। मुझे हर वक्त यूँ महसूस होता है कि मैं लोगों में मौजूद हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, कोई काम करते हुए पढ़ते हुए लोगों से बातें करती रहती हूँ। इस कैफियत में होंठ नहीं हिलते बल्कि जहन चलता है। मैं इन फजूल बातों से तंग आ गई हूँ। मैं उन लोगों में शामिल होना चाहती हूँ जो नॉर्मल हैं और लोगों से बातें करना बंद करना चाहती हूँ। अजीमे साहब, आप माहिर रूहानियात हैं, मुझे भी कोई अमल इस तकलीफ से निजात का बता दीजिए। बात ना करना भी बीमारी है। बात करना जो है वो आप कहते हैं आदमी जो है सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम्स अपनी भी सॉल्व करे, दूसरों की भी सॉल्व करे। अब जब वो दूसरों से बात ही नहीं करेगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व, प्रॉब्लम ना अपनी सॉल्व होगी ना किसी। मेरी अम्मा जी कहा करती थी, भाई अकेला आदमी ना रोता अच्छा लगता है ना हंसता अच्छा लगता है। तो आपकी सोसाइटी ख़त्म नहीं करें, सोसाइटी बनाएं अपनी, लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करें, अपने हम जहन लोग, अच्छे लोग, पाकिजा लोग जमा करें और उनसे बातें करें। लेकिन जब बातें लोग गीबत की करें, किसी की बुराई करें, दुश्मनी की कोई बात करें, हसद की बात करें, वहां से उठाएं। वो आपके मना करने से मना नहीं होंगे, उसका तरीका ही वहां से आप उठाएं। जब आप बार बार उठेंगी तो आपके जो मिलने जुलने वाले हैं उन्हें ये पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है किसी की बुराई पसंद नहीं करता। इससे आपका फायदा होगा। एक बात ही कि आप पोस्ट कार्ड साइज एक नेगेटिव बनवा लें, उस नेगेटिव को फ्रेम करा लें, फ्रेम करा के उसे दीवार में लटका लें। 4 फुट के फासले से दोपहर के बाद जब सूरज का जवाल होता है उसको 10 मिनट के लिए देखा करें। उससे ये होगा कि आपके नेगेटिव थिंकिंग जो है वो खत्म हो जाएंगे और पॉजिटिव थिंकिंग जो है आपके अंदर ज्यादा हो जाएंगे और आप बात भी करेंगे, खुश भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।